धनबाद के कुसुम विहार में बीसीसीएल के बने नए आवास में कोलकर्मी का शव संदिग्ध हाल में बरामद किया गया है। युवक का शव खिड़की की रॉड में गमछे के सहारे लटका हुआ मिला है। जिस स्थान पर विकास का शव मिला है वहां से पुलिस ने शराब की बोतल गिलास बरामद किया है। पुलिस विकास के पास मौजूद मोबाइल को जब्त कर कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच कर रही है। ये बीसीसीएल का नवनिर्मित या बिल्डिंग है जो कुसुम विहार में है, उसमें एक व्यक्ति का मतलब गमछे से लटका के मतलब मर गया है या वाटर में। तो ये हम लोग गए और देखे और सत्यापन किए तो लड़का का नाम है विकास कुमार जो बीसीसीएल में काम करते हैं। अभी कल हम लोग लेके आए, उसके बाद आज पोस्टमार्टम से प्रक्रिया चल रही है। कुछ आरोप ही लगा रहे हैं पहले पत्नी पर? कुछ आरोप ही लगा रहे हैं कि पहले शादी कर लिए थे, वही तो पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि घर पर सुबह मारपीट किया गया है, लग रहा है कि उसी का काम है। जाँच चलेगी, उसके बाद जो काम बता दें कि विकास की पहली पत्नी से 3 साल पहले ही तलाक हो चुका है, जिसके बाद वो दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था। 18 अप्रैल को रिंग सेरेमनी होने वाली थी, तो वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि विकास ने खुदकुशी की है या फिर उसकी हत्या की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।